हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एन सी आर टी एंड प्लग इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर नाइन पॉइंट एट सम नेचुरल फिनिना ड्यू टू सनलाइट तो सनलाइट से होने वाले कुछ नेचुरल फिनिना की बात करेंगे जैसे कि स्काई ब्लू कलर का होता है कलर वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं और रेडिश सनराइज सनसेट होता है रेनबो का फॉर्मेशन तो ये सारी ही फिनिना के बारे में बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर एन का एक्सप्लेनेशन द इंटरप्ले ऑफ लाइट विथ थिंग्स अराउंड गिव्स राइज टू सेवरल ब्यूटिफुल फिनिना तो लाइट जब चीज़ों के साथ जुड़ती है उसके साथ जो लाइट का इंटरप्ले है उसकी वजह से ब्यूट, बहुत सारे ब्यूटिफुल फिनिना राइज होते हैं ओके द स्पेक्टिकल ऑफ कलर दैट वी सी अराउंड ऑल द टाइम इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू सन लाइट ठीक है तो जो अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं वो सन लाइट की वजह से ही पॉसिबल है द प्ल्यू ऑफ द स्काई वाइट क्लाउड्स द रेड इज रेड एट सन राइज एंड सन सेट द रेनबो द ब्रिलियंट कलर्स ऑफ सम पर्ल्स शेल्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर जस्ट ऑफ यू ऑफ द नेचुरल वंडर्स वी आर यूज टू ओके तो ये सारी चीज़ें ही हम देखते हैं तो इस सन लाइट की वजह से पॉसिबल है वी डिस्क्राइब सम ऑफ देम हियर फॉर द पॉइंट ऑफ ऑफ फिजिक्स ठीक है तो हम इनको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कुछ फिनमिना को तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है द रेनबो रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होगा सारे ही फिजिक्स इसकी हम समझेंगे इस पैराग्राफ में द रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द वॉटर ड्रॉप्स इन द एटमोसफियर तुम्हें पता है कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है बारिश के बाद अगर सनराइज सन रेज जब वाटर ड्रॉप से पास होती है तो वाटर ड्रॉप्स जो सनलाइट है उसका डिस्पर्जन हो जाएगा और सेवन कलर्स हमें दिखने लगेंगे दिस इज अ फिनमिनल ड्यू टू कम्बाइन इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन रिफ्लैक्शन ऑफ सनलाइट बाई स्पेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन ठीक है देखा इफेक्ट है इसमें डिस्पर्जन जैसा कि हम जाते हैं वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना सेवन कलर्स में वैन इट थ्रू अ पासिसम रिफ्रैक्शन हम जानते हैं रिफ्लेक्शन भी हम जानते हैं पेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन एंड पाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द टू द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन तो इनका कंबाइंड इफेक्ट सही रेनबो फॉर्म होता है ऐसा हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं ओके द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो आर दैट द सन शुड बी शाइनिंग इन वन पार्ट ऑफ द स्काई से नियर वेस्टर्न हॉरिजन वाइल इट इज रेनिंग इन द अपोजिट पार्ट ऑफ द स्काई से ईस्टर्न हॉरिज़न तो रेनबो फॉर्मेश फॉर्म होने की जो कंडीशन है उसमें एक तरफ एक पार्ट ऑफ द स्काई में एक तरफ सन रेन होनी चाहिए ठीक है और दूसरी ऑपोजिट साइड सन सनराइज होना चाहिए मतलब सन होना चाहिए स्काई में तब ये हो पाएगा क्योंकि रेन फॉर्मेशन हो पाएगा एंड ऑब्जर्वर कैन देअर फोर सीज रेनबो ओनली वेन हिस्स पैकेज टूअर द सन तो ऑब्जर्वर रेनबो को तब देख पाएगा जब उसकी बैक सन की तरफ होगी ठीक है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज कंसिडर फिगर नाइन पॉइंट टू सेवन ए सन लाइट इज फर्स्ट रिफ्रेक्टेड एज इट एंटर्स अ रेन ड्रॉप विच कॉज द डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट वाइट लाइट टू सेपरेट लॉन्गर वेव लेंथ ऑफ लाइट आर बैंड द लीस्ट वाइल द शॉर्टर वेव लेंथ आर बैंड द मोस्ट ठीक है तो हम समझेंगे इसको डायग्राम की हेल्प से कैसे रेन परफॉर्म होता है तो जब सबसे पहले सनराइट क्या होगी रेन जो रेन ड्रॉप में जब एंटर करेगी ठीक है तो रिफ्रैक्शन होगा और जो डिफरेंट डिफरेंट वेव लेंस है हमें पता है ना जो डिफरेंट कलर्स हैं लाइट के उनकी स्पीड वैक्यूम में एयर में तो सेम है बट जो वाटर ड्रॉप है उसके अंदर जो बेसिकली डेंस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसके अंदर उसकी स्पीड डिफरेंट है ओके okay? सो so, जो रेड कलर है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर कम डेवियट हुआ ओके okay? और जो ब्लू कलर है ये काफी ज्यादा डेविट होगी ओके सो डिस्पर्जन हो गया, okay? so, गया यहाँ पर सुनाओ नेक्स्ट दिस कॉम्पोनेट रेस स्ट्राइक द इनर सरफेस ऑफ द वॉटर ड्रॉप एंड गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ड्रॉप ड्रॉप सर्फेस इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल फोर्टी एट डिग्री इन दिस केस ठीक है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ पहले और डिस्पर्जन हुआ सेवन ये कलर में स्पिट होने लगा ओके okay, अलग अलग रेड कलर कम बैंड हुआ ब्लू कलर वॉयलेट कलर ज़्यादा बैंड हुआ ओके okay, और यह इनर सर्फेस से टकराएगा जब डेन ड्रॉप की ठीक है तो यहाँ पर अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ठीक है आप वो वीडियो को देखना मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ठीक है तो आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में रिफ्रैक्शन ना होके ये रिफ्लेक्शन होगा जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं ठीक है और ये इसी सेम वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा ठीक है ड्रॉप के अंदर ही ओके तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो ओके ना इसके बाद और इस केस में जो क्रिटिकल एंगल है रेन ड्रॉप के लिए वो फोर्टी एट डिग्री है मतलब वाटर के लिए द रिफ्लेक्टेड राइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन एज इट कम्स आउट ऑफ़ अ ड्रॉप्स एज शोन इन द फिगर और जब ये फिर से बाहर एंटर करेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा ओके okay, Uh, इसके बाद इट इज फाउंड डेट द वॉलेट लाइट इमर्जेस एट एन एंगल ऑफ़ फोर्टी डिग्री रिलेटेड टू द अपकमिंग सन लाइट एंड रेड लाइट इमर्जेस एट एन एंगल ऑफ फोर्टी टू डिग्री ठीक है तो इनकमिंग लाइट से वॉलेट लाइट कितना एंगल पे इमर्ज होती है तो फोर्टी टू डिग्री पे ठीक है फोर्टी डिग्री पे सॉरी वॉलेट लाइट और रेड लाइट फोर्टी टू डिग्री पे तो आप यहाँ पर ये यह देख सकते हो देखो वॉइलेट लाइट इनकमिंग सनलाइट से 40 डिग्री पे इमर्ज हो रही है ओके okay? और रेड लाइट 42 डिग्री पे इमर्ज हो रही है इसको थोड़ा याद रखोगे आप ओके इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर फॉर अदर कलर्स एंगल आई इन बिटवीन द टू वैल्यू ठीक है ऑब्वियसली बात है ये एक्सट्रीम से दोनों ठीक है तो और कलर्स के जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट सनलाइट वो इन दोनों के बीच में होगा आगे बढ़ेंगे फिर फिगर नाइन पॉइंट टू सेवन बी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो वी सी दैट रेड लाइट रेड लाइट फ्रॉम ड्रॉप वन एंड वॉयलेट लाइट फ्रॉम ड्रॉप टू रीच द ऑब्जर्वर्स आई ठीक है तो देखो इसमें क्या है प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन बताया ठीक है, है? सन आ रही है यहाँ से तो देखो सन गई पहली ड्रॉप से पहली ड्रॉप से यहाँ पर आ, ये रिफ्रैक्शन हुआ डिस्पर्जन डिस्पर्जन भी हुआ होगा ओके इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ से बस ऑब्जर्वर तक पहली ड्रॉप से रेड लाइट ही पहुँची है ओके okay, और जो दूसरी दूसरी ड्रॉप से दूसरी जब सनलाइट दूसरी ड्रॉप में गई से जो इससे नीचे वाली ड्रॉप है ओके okay, उससे देखो फिर से, से अगेन जो सेम पहले रिफ्लेक्शन हुआ डिस्पर्जन हुआ उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है उसके बाद यहाँ से ब्लू लाइट नीचे वाले ड्रॉप से है ठीक है तो ऊपर वाली ड्रॉप से ठीक है फर्स्ट ड्रॉप से ब्लू रेड लाइट पहुंची ऑब्जर्वर की आई तक ओके और ब्लू लाइट नीचे वाले ड्रॉप से पहुंची यही रीज़न है कि हमें ऊपर की तरफ रेड कलर दिखाई देता है प्राइमरी रेनबो में और नीचे की तरफ वॉलेट कलर दिखाई देता है ओके सो प्राइमरी रेनबो में ध्यान रखना रेड कलर ऊपर होता है वॉलेट कलर नीचे होता है द वलेट फॉर्म फ्रॉम ड्रॉप वन एंड रेड लाइट फ्रॉम ड्रॉप टू आर डायरेक्टेड एट लेवल अब और बिलो द ऑब्जर्वर है ना और जो पहले ड्रॉप से हमने बोला कि रेड लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंची तो जो ब्लू लाइट थी या वॉलेट लाइट थी वो ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर आई तक नहीं पहुंची ऊपर की तरफ क्या हो गई डेविएट हो गई ओके और जबकि दूसरे वाले ड्रॉप से ब्लू लाइट तो ऑब्जर्वर तक पहुंची और ये नीचे की तरफ डेविएट हो गई थी रेड लाइट वो नहीं पहुँची ऑब्जर्वर तक ठीक है इसके बाद दस्ट द ऑब्जर्वर सीज अ रेनबो विद रेड कलर ऑन द टॉप एंड वॉलेट ऑन द बॉटम तो प्राइमरी रेनबो में ध्यान रखना रेड कलर टॉप में होगा एंड वॉलेट कलर बॉटम में होगा दस्ट द प्राइमरी रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ द थ्री स्टेप प्रोसेस डेट इज रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो इसमें थ्री स्टेप प्रोसेस हुआ सबसे पहले रिफ्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्ट इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हुआ फिर से अगेन रिफ्लेक्शन हुआ ठीक है अब बात करेंगे हम दूसरे तरह के रेनबो की सेकेंडरी रेनबो जिसे हम बोलते हैं ओके वेन लाइट रेज अंडर गोस टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन साइड अ रेनबो इंस्टेड ऑफ वन एज इन द प्राइमरी रेनबो अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड एज शोन इन फिगर ओके लेकिन अगर क्या हो जाए दो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ठीक है यह yes, सनलाइट आई ठीक है पहली रन ड्रॉप में देखो सनलाइट आई ओके okay, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन हुआ फिर से अगेन एक और बार रिफ्लेक्शन हो गया और यहाँ पर रिफ्लेक्शन दो बार रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हुआ ठीक है तो दो रिफ्लेक्शन हुए दो बार तो फोर स्टेप प्रोसेस हो गया प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन थ्री स्टेप प्रोसेस था रिफ्लैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन ओके और इसमें देखेंगे हम अभी कौन सा टॉप में होगा वर्ल्ड टॉप में होगा ठीक है आगे देखते हैं इट इज़ ड्यू टू फोर स्टेप प्रोसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस एट द सेकेंड रिफ्लेक्शन एनहेंस द सेकेंड रेनबो इज फेंटर दैन द प्राइमरी रेनबो ठीक है तो जो इंटेंसिटी होगी जो सेकेंड रेनबो की वो कम होगी क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ओके okay, और और इसका जो ऑर्डर ऑफ कलर है वो भी रिवर्स हो जाएगा ठीक है और हम जनरली प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो साथ ही बनते हैं बट इतना फेंट होता है सेकेंडरी रेनबो तो हमें वो विजिबल भी नहीं होता बहुत कम बार विजिबल होता है प्राइमरी रेनबो क्योंकि उसमें एक ही बार रिफ्लेक्शन हुआ है इंटरनल रिफ्लेक्शन तो वो हमें बहुत क्लियरली विजिबल रहता है ठीक है और ये इसका कलर ऑर्डर भी अपोजिट होगा प्राइमरी का क्या था रेड ऊपर था ब्लू वॉलेट टॉप बॉटम में था ना जो हमें दिखाई देगा ऑब्जर्वर को लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर सनलाइट आई यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्लेक्शन हुआ फिर से रिफ्रैक्शन हुआ ठीक है रे तो रेड कलर ऊपर की तरफ डेविएट हो गया ऑब्जर्वर तक ब्लू कलर ही पहुँचा है ठीक है जबकि नीचे वाले ड्रॉप से क्या हुआ देखो फिर से रिफ्कशन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन वॉलेट नीचे की तरफ बिलो द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर डिबेट हो गया और रेड कलर पहुंचा तो रेड ऊपर दिखाई देगा वॉलेट नीचे दिखाई देगा ठीक है सो so ये था रेनबो का फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो थ्री स्टेप प्रोसेस है सेकेंडरी फोर स्टेप प्रोसेस है कलर ऑर्डर ध्यान रखोगे दोनों में मैंने अभी बता दिया आपको क्योंकि क्रिटिकल एंगल और कितना एंगल बनाता है रेड और ब्लू ठीक है फोर्टी डिग्री रेड ब्लू वॉलेट फोर्टी डिग्री ओके okay, यार ये फोर्टी टू डिग्री विद द इनकमिंग सनलाइट ओके ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखोगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की ठीक है तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग